महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर इस वक्त गंभीर संकट है। इस संकट के बीच जैसे ही ये खबर आई कि सीएम ठाकरे फेसबुक लाइव के जरिए अपनी बात रखेंगे, सबकी नजर इसी बात पर थी कि वो क्या कहेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे ने जब बोलना शुरू किया और जब अपनी बात खत्म की तो उनका मुख्य फोकस हिंदुत्व पर था। वो एकनाथ शिंदे की ओर से हिंदुत्व को लेकर जो सवाल उठाए गए हैं उस पर सफाई देते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री पद का कोई मोह नहीं है, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। कोई भी शिवसैनिक आकर ये बात कहे, सामने आकर बात कहनी चाहिए, दूर से बैठकर बात करना ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे का नाम लिए बगैर उन सवालों का जवाब दिया जो उनकी ओर से उठाए गए हैं। शिवसेना और शिवसैनिक के बारे में कहा जाता है कि वो डंके की चोट पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन उससे कहीं अलग उद्धव ठाकरे की ओर से इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई। उद्धव ठाकरे ने कहा, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है कि मैं लोगों से नहीं मिलता हूँ, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बीच के समय में मेरी सर्जरी हुई थी, इसलिए मैं लोगों से मिलजुल नहीं पा रहा था। कहा जा रहा था कि हिंदुत्व को छोड़ दिया, लेकिन शिवसेना बिना हिंदुत्व के हो ही नहीं सकती। बाला साहेब की शिवसेना आज की शिवसेना में क्या फर्क है? हिंदुत्व व शिवसेना एक ही सिक्के के दो पहलू है और इससे कोई अलग नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझ पर आरोप लगाए गए हैं, मेरे ऊपर हमला किया जा रहा है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ये हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि मेरे अपने हैं। यदि मेरे शिवसैनिक को लगता है कि इस पद के मैं काबिल नहीं हूं तो वो मुझे आकर बताए। उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव के जरिए अपनी बात सीधे उन विधायकों तक पहुँचाने की कोशिश करते हुए नजर आए जो लगभग उनका साथ छोड़ चुके हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना से बगावत का असर राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार पर पड़ना तय नजर आ रहा है। अगर शिंदे अपने समर्थक विधायकों के साथ शिवसेना में वापस नहीं लौटते हैं तो जिसकी फिलहाल संभावना कम नजर आ रही है, तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य की एमवीएस सरकार अल्पमत में हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। खबरों का सहनशाह, मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।